नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौंपाल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में मिल्की राम मार्केट के टेक्सटाइल दुकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। मानकों में सड़क जाम को लेकर खुद उपायुक्त क्रेन लेकर उतरी सड़कों पर। तेज रफ्तार कार ने दो स्कूटी सवारों को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। ठेका मजदूरों को भी सम्मानजनक बोनस देने की मांग। टाटा नगर स्टेशन के बाहर बिहार से आए व्यक्ति से चिंतित, पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जांच केंद्रों पर खुद डीसी ने दी दबिश। चांडिल डैम से विस्थापित 116 गांव के लोग बैठे आमरण अनशन पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। साक्षी बाजार स्थित मिल्की राम बिल्डिंग में लाजवंती टेक्सटाइल नामक दुकान में देर शाम अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। दो दमकल कर्मी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साक्षी मिल्की राम बिल्डिंग स्थित लाजवंती टेक्सटाइल में गुरुवार देर शाम आग लग गई, जहां दो दमकल के वाहनों ने लगभग एक घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि यह टेक्सटाइल काफ़ी नामी है और बड़ी मात्रा में स्कूल ड्रेस का ऑर्डर उनके पास आता है। इस कारण से इसके गोदाम में काफ़ी ज़्यादा माल स्टॉक रहता है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। वैसे झारखंड अग्निशमन विभाग का एक दमकल एवं टाटा स्टील फायर सर्विसेज का एक दमकल मौके पर पहुंचा और एक घंटे तक मेहनत कर आग पर काबू पाया। वैसे इस पूरे मार्केट में बड़ी संख्या में दुकानें हैं। आग की खबर मिलते ही सभी अपनी अपनी दुकानों को सुरक्षित करते नजर आए। इस घटना में नुकसान का अनुमान लाखों में लगाया जा रहा है। कितने दमकल की गाड़ियां पहुंची है मौके पर? दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची है? दो, एक गवर्नमेंट की और एक टाटा अस्पताल वगैरह। मानगो क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति को देखते हुए खुद उपायुक्त विजय जाधव सड़कों पर निकल पड़े। उनके साथ एक क्रेन भी था। उन्होंने सड़कों पर पैदल चलकर मुआयना किया और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। मानगो क्षेत्र में आए दिन सड़क जाम को लेकर उपायुक्त विजय जाधव अपनी टीम के साथ क्रेन लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने निकल पड़ी। इस दौरान उनके साथ ATM लॉ एंड ऑर्डर NK लाल, DTO दिनेश रंजन, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी और सिटी मैनेजर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत मानगो नगर निगम कार्यालय से की गई। यहां से उपायुक्त पैदल ही मानगो चौक की ओर निकल पड़े। इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। उनके साथ साथ क्रेन भी चल रहा था। उन्होंने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वहीं सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। दरअसल मानगो में आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वहीं आगामी पूजा सीजन को देखते हुए उपायुक्त द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पे ही दुकानें लगा रहे हैं तो उसको खरीदने वाले लोग और रोड पे हैं, तो वो खड़े होके फल वल सब्जियां वब्जियां देख दाख के ले रहे हैं, तो उसमें पीछे वाली ट्रैफिक कंजेस्ट हो रही है। सेकंड, जिन लोगों ने होटल्स बाहर पे लगाए हुए हैं, चूल्हे बाहर सजाए हुए हैं, उन लोगों की वजह से भी चाय पीने के लिए और खाने के लिए लोग वहाँ खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर रहे हैं, वो एक अनदर रीज़न है कि खाने पीने के लिए लोगों के गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तीसरा, ये जो गोल चक्कर है उसमें अभी कुछ इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि जो टाइल्स लगाए हैं पेवर ब्लॉक को थोड़ा ज़्यादा बाहर आए हुए हैं, क्या अगर हम उसको अंदर लेके थोड़ा गोल चक्कर के एरिया को मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि वाहनों के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो, उसकी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। और चौथा, जो जिसको के पीछे ज़मीन है वो जो बिल्डिंग्स के सामने, वो अगर 20-25 बिल्डिंग फीट की बिल्डिंग अगर डेवलप होके मिलती है तो यही दुकानें या यही पार्किंग अगर पीछे हट जाता है तो रोड एक्सक्लूसिवली फ्री रहेगा जो गाड़ियाँ चलाने के लिए मिलेगा। आज ये लोग सारे अपने क्रियाकलाप जो रास्ते पे कर रहे हैं वो अंदर खिसक जाएंगे तो रोड फ्री हो जाएगा। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबिली पार्क में एक तेज रफ्तार कार ने दो स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि कार सवार ने दोनों घायलों को बाद में अस्पताल पहुंचाया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबिली पार्क में कार सवार ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार और मोपेड सवार को टक्कर मार दी,
जिससे दोनों वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि कार सवार ने मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वैसे कार भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि कार सवार जुबली पार्क के गेट नंबर 2 से साक्षी की तरफ आ रहा था, जबकि दोनों सवार गेट नंबर 1 से बिष्टुपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पार्क के बीचों बीच ये हादसा हुआ। स्थिति अभी सामान नहीं ठीक है, अब देखिए आगे लोग इलाज में क्या क्या। कितने लोग घायल हैं? कुल 2 आदमी, 2 मोटरसाइकिल में है। दोनों का मोटरसाइकिल थोड़ा डैमेज है, उसको हम लोग थाना लेके जा रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे। कार किधर से आ रही थी सर? कार आ रही थी इधर 2 नंबर गेट से और 1 नंबर गेट की तरफ से दोनों मोटरसाइकिल जा रहा था। जमशेदपुर मजदूर यूनियन के द्वारा शहर के ठेका मजदूरों को भी सम्मानजनक बोनस देने की मांग उठाते हुए एक मांग पत्र उप श्रमायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा गया है। एक वार्ता के दौरान उक्त जानकारी यूनियन के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी सहित इनके तमाम आनुषंगिक इकाइयों में इन दिनों बोनस समझौते चल रहे हैं। 20% तक बोनस के समझौते हो रहे हैं, लेकिन तमाम कंपनियों में बड़ी संख्या में ठेका मजदूर भी कार्यरत हैं और वर्षों से उन्हें 8.33% बोनस मिलता है और इसे आगे बढ़ाने को लेकर कोई पहल न कंपनी प्रबंधन करता है और ना ही यूनियन। जमशेदपुर मजदूर यूनियन के द्वारा प्रेस वार्ता हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि दुर्गा पूजा का माहौल है और पूरे शहर में एक तरह से समझ लीजिए कि खुशी का माहौल चल रहा है। इस सवाल पर कि परमानेंट मजदूरों का प्रतिशत में 20% बोनस टाटा स्टील के द्वारा घोषणा किया गया, लेकिन वही टाटा स्टील के तमाम अनुसंगी जो है शहर में, जहां पर और भी ठेका मजदूर कार्यरत है, ऐसे टाटा स्टील में आज परमानेंट मजदूर 13,000 है और ठेका मजदूर 40,000 के आसपास है। तो दुख की बात यह है कि ठेका मजदूरों के सवाल पर कोई भी प्रबंधन ये खुल करके नहीं कहता है कि उनको भी हम परसेंटेज में 8.33 से बढ़ा करके बोनस देंगे। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर बिहार के रहने वाले मुकेश कुमार चौहान नामक व्यक्ति से चाकू का भय दिखाकर लूट की घटना हुई थी, मगर पास ही मौजूद जवानों ने तत्परता दिखाते हुए लुटेरे को खदेड़ कर पकड़ लिया। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर बिहार के भोजपुर जिले के निवासी मुकेश कुमार चौहान से सुबह 6 बजे चाकू का भय दिखाकर लूट की घटना हुई। हालांकि पास ही मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए 1,000 रुपये और मोबाइल फोन बरामद किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने पास की झाड़ियों से बरामद कर लिया। पूछताछ में अपराधी ने अपना नाम विक्की सिंह बताया। वह बागबेड़ा के रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी का रहने वाला है। कि आज सुबह बागबेड़ा थाना प्रभारी को एक सूचना मिली कि एक यात्री ट्रेन से उतर के अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे थे, तो एक लड़के के द्वारा उनसे कुछ रुपए और मोबाइल की छिनतई की गई है। पुलिस द्वारा इमीडिएट कार्रवाई करते हुए उस लड़के को पकड़ लिया गया है। छीना हुआ मोबाइल और रुपया भी बरामद हो चुका है। झोला छाप डॉक्टरों और बिना लाइसेंस की जांच केंद्र और मेडिकल हॉल चला रहे लोगों पर प्रशासन की गाजगिरी है। खुद उपायुक्त विजया जाधव ने पटमदा के कई ऐसे जांच केंद्रों, पैथ लैब और मेडिकल दुकानों में अभियान चलाया। बुधवार को उपायुक्त विजया जाधव ने दुकानों के सील को खुलवाकर फिर से जांच की। इसमें जिले के ग्रामीण SP मुकेश कुमार, SDM संदीप कुमार मीणा, SDO सौरभ सिन्हा, DDC प्रदीप प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई जिला स्तरीय पदाधिकारी के अलावा CO सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी, पटमदा CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर समीर कुमार, BDO पीयूष शालिनी डोना मीन्स, CDPO नीति कुमारी, पटमदा DSP समीत इंस्पेक्टर हीरालाल महतो, पटमदा थाना प्रभारी अशोक राम, SI मनोज कुमार गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजातों के अलावा एक्स-रे रिपोर्ट, ऑपरेशन हेतु प्रयुक्त सर्जरी किट, साइन बोर्ड आदि को जब्त किया गया। उपायुक्त ने सभी कमरों की गहन तलाशी अभियान चलाते हुए पटमदा के साइंटिफिक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से जारी दर्जनों रिपोर्ट को जब्त करने के साथ ही ADM को निर्देश दिया कि डॉक्टर समीर कुमार को लेकर उक्त पैथो लैब में जांच करें। यहां पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन के ही बंगाल निवासी
अनिल चंद्र मंडल द्वारा पिछले 7 वर्षों से क्लिनिक चलाया जा रहा है और उनके पास कई दवाइयां व केमिकल स्टॉक है। थोड़ी देर में उपायुक्त स्वयं वहां पहुंची और पूछताछ की तो अनिल चंद्र मंडल ने गलती होने की बात कहते हुए माफ़ करने का आग्रह किया। इस पर उपायुक्त ने उल्टे उनके समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप ही माफ़ कर दीजिए और अब तक जो अवैध तरीके से काम करते आ रहे थे उन्हें बंद करें। तो बिना फ्रिज का पैथोलॉजी का सेंटर कैसे चला रहे हो? अगर मेरा घर है तो फ्रिज है, तो मेडिकल में रखते हैं। तो घर में क्या है? घर में क्या है? घर में कौन रखते हो तुम? घर में रखते हैं, मेडिकल में रखते हैं। पटना मेडिकल सोन रेखा परियोजना के अंचल कार्यालय के समक्ष चांडिल डैम से विस्थापित हुए 116 गांव के विस्थापितों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को मेडिकल टीम ने सभी की स्वास्थ्य जांच की। सोनरेखा परियोजना के अंचल सह प्रमंडल कार्यालय के समक्ष चांडिल डैम से हुए 116 गांवों के विस्थापितों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को चांडिल अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर HS शेखर के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने अनशन पर बैठे विस्थापितों की स्वास्थ्य जाँच की। अनशन के दूसरे दिन 4 और विस्थापित फूलबाला पोदार, नासिर मोमिन, गुलतू माझी और आशुतोष महतो भी आमरण अनशन पर शामिल हुए। अनशनकारियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अनशन के दूसरे दिन भी विस्थापितों ने अपने हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद की। आज हम लोग दूसरा दिन हो गया, हम लोग तो अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का कुछ मांग नहीं है, जो वादा है उसको निभाया जाए। हर परिवार में एक नौकरी देने का वादा है, वो नौकरी दिया जाए और 25 डिसमिल जगह हर पुनर्वास स्थल में दिया जाए। विस्थापित के वादा नहीं है, ये मांग नहीं है, विस्थापित के वादा है। दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनजर चांडिल में शांति समिति की बैठक में SDO रंजीत लोहरा ने शांतिपूर्वक पूजा मनाने और सभी पंडालों में सुरक्षा के साधन और CCTV कैमरे लगाने का निर्देश पूजा कमेटियों को दी है। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर चांडिल SDO रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने शांतिपूर्वक ढंग से दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मनाने का निर्णय लिया। SDO ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पूजा कमेटियां पूजा पंडालों में CCTV कैमरा लगाए, साथ ही वॉलंटियर की नियुक्ति करे तथा इसकी सूची स्थानीय थाना को दे। SDO ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर अनुमंडल कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों ने चांडिल डैम रोड में काफ़ी संख्या में आवारा पशुओं की मौजूदगी की बातें कही। समिति की बैठक रखी गई थी जिसमें चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के गैर लाइसेंस 64 और लाइसेंस 35 पूजा कमेटी के लोग आए हुए थे और शांति समिति के सदस्य से सभी ने एक स्वर में कहा कि हम लोग का पूजा शांतिपूर्ण ढंग से होगा और जो भी सरकार का गाइडलाइन आएगा उसका पालन करते हुए मनाया जाएगा। इस बार अभी तक सरकार की ओर से कोविड का कोई ऐसा गाइडलाइन आया नहीं है। बिहार के पूर्णिया जिले से 4 धामों की पैदल यात्रा पर निकले भक्त अविनाशी झा का नगर आगमन पर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान तमाम हिंदू संगठनों के लोगों ने अविनाश झा का अभिनंदन किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के शौर्य को बढ़ाने और युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु इस यात्रा पर निकले हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर का सफर ये पैदल ही तय करेंगे। और वहाँ से द्वादश ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम पैदल यात्रा के लिए निकला हूँ। इसमें से देव सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर में जल अर्पित करने के बाद मैं यहाँ जमशेदपुर पहुँचा हूँ। लगभग 630 किलोमीटर की पदयात्रा हो गई है। और अभी आगे का कार्यक्रम बताएं। यहाँ से जगन्नाथपुरी से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, फिर वहाँ से रामेश्वरम होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग जो है वो, उसके बाद केदारनाथ, आखिरी काशी विश्वनाथ और फिर वहाँ से श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था निखिल भारत बोंगो साहित्य सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मिलानी हॉल में किया गया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था निखिल भारत बोंगो साहित्य सम्मेलन के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस साल प्रवासी बोंगो भाषियों का 2 दिवसीय सम्मेलन जमशेदपुर में शुरू हुआ। इसमें पहले दिन परिचय सत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
कल प्रवासी सम्मेलन होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बांग्ला भाषा का प्रचार प्रसार करना, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना बताया गया। आपको बता दें कि संस्था का गठन 1923 में कानपुर में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्थानीय आर्मरी मैदान में टाटा स्टील टीम के लिए चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ट्रायल के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो अंतर स्टील प्लांट प्रतियोगिता में टाटा स्टील का प्रतिनिधित्व करेंगे। का इंटर डिपार्टमेंट फुटबॉल अभी चल रहा है, फुटबॉल का आज का इनोग्रेशन हुआ, आज पहला दिन है। उसके बाद ये 3 दिन तक चलेगा ये टूर्नामेंट, इसमें हम लोग का उसके बाद यहाँ टाटा स्टील के लिए टीम बनेगा जो इंटर कंपनी जो खेलेगा और जो इंटर स्टील प्लांट जो पार्टिसिपेट करेगा। शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनजर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने मातहतों के साथ बैठक करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनजर जमशेदपुर अक्षेस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने विभागीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के समक्ष साफ सफाई और नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों के लिए प्रतियोगिता और पुरस्कार की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर को अलग अलग जोन में बांटकर नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं ताकि पूजा पंडालों के साथ सफाई की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही अस्थाई पार्किंग को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किए गए हैं। उन्होंने पूजा समितियों से अक्षेस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। तैयारी के संबंध में बुलाया है, पूर्व में ही हम लोगों ने जमशेदपुर को विभिन्न जोनों में बांटा है। उस जोन में हम लोगों ने एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जिनका ये काम है कि जो भी साफ सफाई है, जो भी काम उनको दुर्गा पूजा के सफल संचालन हेतु किया जाना है, उस कार्य की देखरेख उनको नोडल पदाधिकारी को करना है। तो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो समस्याएं उनकी आ रही है, उसी का रिव्यू करने के लिए हमने ये बैठक बुलाया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। Yafi, e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी, जो आ चुके एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्णुपुर में उपलब्ध है, जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्णुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ हरितपुर में जो बेल्लिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है।
So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi, e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.